दोस्तों हमारे न्यू चैलेंजिंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसे आज हम लोग एक चैलेंजिंग वीडियो बनाते हैं हमेशा, तो आज का हमारा चैलेंज है कि हमारे पास छह पर्चियां हैं जिसमें लिखा जो उसमें आइटम लिखे हुए हैं उसमें सजा भी हो सकती है और उसके ऊपर मतलब मालदार पार्टी जैसे खाने वाला सामान भी हो सकता है। तो हमें करना क्या है कि अपनी किस्मत अपने हाथों चुननी है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैंने यहाँ से गिराया, ठीक है, हाँ। अब छोटू चुनेगा जो उसको मन होगा, ठीक है। तो जो वो अपना खुद ही चुन के दूसरे को देगा कि ये मैंने अपनी किस्मत आपके हाथ में लिख दी है, या खाने वाला सामान होगा या फिर उसके लिए सजा होगी। तो फिर हम उसे पूछेंगे कि तुझे ये चीज चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो सिर्फ हमें जवाब देगा हाँ या ना में। तो चलिए आज हम अपना न्यू चैलेंज शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे आपको पता है हमारा रीति रिवाज है, हमारा स्टार्ट होना है छोटू के साथ, बट आज हम छोटू के लिए थोड़ा सा ना रिलायबल हो जाते हैं। अब हम छोटू से तो हमने एक वीडियो में पूछा था, बट आज हम छोटी से पूछेंगे क्योंकि उसके भाई का सवाल है ये। तो आज वो किसके साथ जाना चाहती है कि सबसे पहले कौन करे, तो हम छोटी चल तू बता। देखिए भाई को बचा लिया इसने और खुद ही आ रही है पहला चैलेंज पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, तो अब हम छोटी के लिए अपना तो दोस्तों जैसे छोटी हमारी बैठी हुई है, तब हम छोटी के लिए पर्ची फेंकेंगे और छोटी अपने किस्मत अपने हाथों से तय करेगी कि उसे क्या करना है उसके पास, क्योंकि दो चांस होंगे, या तो उसके पास पर्ची में कुछ खाने का सामान उठेगा तो भी वो हाँ या ना बोलेगी उस वक्त भी उसकी किस्मत तय होनी है, या फिर ऐसे भी होना है कि वो हाँ बोले और पर्ची में कुछ और निकल जाए। इसलिए लेट्स सी क्या होता है, देखते रहो, खुद ही तय करना है। छोटी के पास क्या आया है, ठीक है। तो छोटी यस। तो दोस्तों जैसे आपको पता था छोटी के पास पिलो आया है, तो ये देखिए दोस्तों, तब छोटी को छोटू पिछली बार से देखा बेइज्जती का बदला लिया जा रहा है। नहीं, खाना तो पड़ेगा। गदर टू नहीं मारानी अभी, गदर थ्री के लिए शूटिंग होने में टाइम है दोस्तों। तो चलिए, तो अब आता है हमारे छोटू का नंबर। आई छोटू, चलिए अब मैं करूंगी इसके बारे में बदला लेना। ओके, तो दोस्तों जब हमारे छोटू का नंबर आता है तो अब मैं अपनी पर्चियां फेंकता हूँ, छोटू अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये रही आज छोटू की पर्चियां, चल छोटू घुस जाओ, चल छोटू उठा सही पर्ची ढूंढना, चलो लो। तो अरे बाप रे, खतरनाक चीज है ये। तो दोस्तों ये है हमारा पर्चियां। तो चल छोटी हाँ या ना, तो या छोटू हाँ या यस। Yeah! तो दोस्तों जैसे हमारे छोटू के पास क्रीम ट्रीट ब्लू और उसने अपनी किस्मत को बिल्कुल एक्यूरेट और सही चुना था हमें, तो अब हम उसको क्रीम देते हैं, ब्रेड क्रीम जो कि ब्लू लिखा हुआ था। छोटू अपनी कैसा, तो छोटू कैसा लग रहा है तुमको? बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा। बाय बाय। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैलेंजर है हमारी सुष्मिता, तो आज हम देखते हैं उसकी किस्मत में क्या लिखा है, वो क्या सजा की हकदार है या फिर मरिंडा की हकदार है, ठीक है। तो लीजिए, चलो सुष्मिता उठाओ कोई एक। और अपनी किस्मत से आप दो इधर। चलो ये लो, तुम्हें सौंपती हूँ, तुम अच्छा करोगी मेरे लिए। तो दोस्तों आया है सुष्मिता के पास, अब आप खुद ही देख लीजिए। तो अब सुष्मिता इसको हाँ या ना, लो बोलो हाँ या ना, यस और नो। हाँ दोस्तों,
नहीं कर, हाथ नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे। अरे ये क्या था चमका, ये क्या था हमारे शिवम भाई की बारी, तो अब हम शिवम भाई को दोस्तों अब आती है हमारे शिवम भाई की बारी, तो अब देखते हैं उनकी किस्मत में क्या लिखा है, वो हाँ या ना कुछ क्या करते हैं। ठीक है, तो अब मैं पर्ची फेंकने जा रहा हूँ, लीजिए शिवम भाई उठाइए अपना। अकड़ बकड़ बम पे बोल करना चाहूंगा मैं, जिसमें आएगा वही मैं लूंगा। आता है ना भैया, अकड़ बकड़ बम पे बोल 80-90 पूरे 100 यही उठाना चाहूंगा मैं। शिवम भाई ने उठाया अपनी पर्ची और हमने दी छोटू को, तब देखते हैं क्या आता है। यार ये क्या हुआ, ये क्या हुआ दोस्तों, ये क्या था अब बताओ। यस यस जल्दी, नहीं मैं नहीं लेना चाहूंगा। क्या पिलो, शिवम भाई ने अपनी किस्मत को नकार दिया, तुम्हें नहीं चाहिए। दोस्तों शिवम भाई हमारे बच गए हैं, अब आता है मेरा नंबर, तो देखिए मेरी किस्मत तो ऐसे भी खतरनाक है। ठीक है, अब क्या होता है दिखाइए। गाइस जिम्मेदारियां ये मैंने उठा ली है, तो देखते हैं क्या होता है हमारे लास्ट मेंबर का, अच्छी चीज मिलती है या फिर उनको स्प्रे या पिलो से या सुसज्जित किया जाता है या नवाजा जाता है। चलिए चलिए दोस्तों, क्या लगता है आपको कौन सा मुझे उठाना चाहिए? मैं 10 तक गिनती गिनना चाहूंगा दोस्तों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दोस्तों मैंने अपनी किस्मत इस छोटे से कागज में चूज कर ली है, तो अब देते हैं सुष्मिता को। मैं बताने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ आपको, भैया को बताने वाली हूँ। देख सकते हो कितना बुरा, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, जैसी किस्मत वैसे उसको चीज मिल रहा है। अब देखते हैं क्या होता है, हाँ या ना। तो दोस्तों मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं तो मैं इस के लिए मैं हाँ बोलना चाहता हूँ। अरे यार ये क्या था, दोस्तों मतलब कोई ये सजा तो नहीं आई है, बट ये सजा से भी कम नहीं है, जो कि ऑलरेडी हमारे छोटू को ये जीत चुका है, तो ये मुझे पता था किस्मत मेरी ऐसी ही है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, तो दोस्तों प्लीज हमारे वीडियो पे लाइक सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करें। तो आज का वीडियो हमारे यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।